सीधा प्रदेश की है खबरों की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लूट और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के सदस्यों के साथ एनकाउंटर हुआ। जी हां, आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में चार अपराधी घायल हुए और गोरखपुर पुलिस का कहना है कि ये बहुत ही बड़ा गैंग है। हाल ही में इसी गैंग ने कौड़ीराम और कैंपियरगंज में टप्पेबाजी और बड़हलगंज व खलीलाबाद में लाखों की लूट की थी और भी जानकारी की जा रही है। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि मोदीपुर चौराहे पर थाना कैंट के प्रभारी निरीक्षक बीते गुरुवार को गश्त कर रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर चार व्यक्ति सवार तेजी से आ रहे थे और संदिग्ध प्रतीत होने पर उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वे रुके नहीं और असलहे से पुलिस बल पर फायर करते हुए भागने लगे। बताया जा रहा है कि गोरखपुर पुलिस का दावा है पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में चारों अभियुक्त घायल हो गए, जिनका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि अभियुक्त पूर्व में देवरिया जिले से जेल जा चुके हैं। वह बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में आकर लूट व टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं और गोरखपुर पुलिस ने इन चारों के पास से एक ग्लॉक पिस्टल और एक कंट्री मेड पिस्टल और एक 315 बोर का कट्टा और 55,000 रुपया नगद बरामद किया है, जिसकी जाँच की जा रही है।